हेलो दोस्तों, आज देखेंगे गूगल क्रोम का नया दो अपडेट। दो नया गूगल क्रोम का बहुत अच्छा अपडेट आया है, तो इस वीडियो में पूरा देखिए, दो अपडेट आपको पता चल जाएगा। आपको बताना है कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा। उसके लिए पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रोम लिख के आपको सर्च करना है। मैं क्रोम की लिख के सर्च कर देता हूँ। आपको क्रोम लिख के सर्च करने के बाद देखिए, क्रोम लिख के सर्च करने के बाद इसको अपडेट कर लेना है। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसको अपडेट होने देते हैं। देखिए ये अपडेट हो गया। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए गूगल क्रोम ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का अगर डिटेल्स आपको जानना है, अगर सेफ ब्राउजिंग ऑप्शन आएगा तो इसको ओके कर देना है। यहाँ पे किसी भी चीज़ को आपको जानना है, मैं पेरिस का आईफिल टावर जानना चाहता हूँ। देखिए आईफिल टावर सर्च कर दिया। आप यहाँ पे विकिपीडिया पे क्लिक कर दिया। आप किसी भी चीज़ का विकिपीडिया अगर जानना चाहते हैं या किसी भी चीज़ का ऊपर जानना चाहते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो बहुत सारा स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा। गूगल क्रोम ने एक फीचर्स दिया है, एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा आप रख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेज भी सकते हैं या सेव भी अपना फ़ोन में करके रख सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर जो थ्री डॉट्स है उस पर क्लिक करना है आपको। मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर जो थ्री डॉट्स है उस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए ऑप्शन ऐड यहाँ पे है, शेयर। शेयर ऑप्शन पे चला गया। यहाँ पे देखिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए एक नीचे एरो जैसा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे नीचे एरो जैसा ऑप्शन आ रहा है, उसको आपको जितना तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है उतना तक आपको ये पकड़ के खींचना है। देखिए जितना तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है पूरा आपको इसको नीचे तक खींच लेना है। मैं खींच लेता हूँ जितना तक मुझे पूरा डॉक्यूमेंट एक ही स्क्रीनशॉट पे अंदर चाहिए, इसलिए मैं पूरा स्क्रीन खींच लेता हूँ। खींचने के बाद देखिए पूरा ले लिया। उसके बाद नीचे देखिए टिक ऑप्शन है, मैं टिक ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए ये स्क्रीनशॉट रेडी हो गया। देखिए कितना बड़ा स्क्रीनशॉट है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए पूरा डॉक्यूमेंट्स एक ही स्क्रीनशॉट में अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शेयर या सेव टू गैलरी। मैं शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। आप व्हाट्सएप में किसी को, व्हाट्सएप मैसेंजर कहीं पे भी किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शेयर ऑप्शन से आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप में सेंड कर देता हूँ। यहाँ से मैं व्हाट्सएप में क्लिक करके सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सेंड कर दिया। आप ऐसे किसी को भी सेंड कर सकते हैं बहुत इजीली। अब चलिए सेकेंड अपडेट को देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्रोम ऑप्शन ओपन कर लेना है। ओपन करके फेसबुक लिख के आपको सर्च करना है। फेसबुक लिख के सर्च करने के बाद देखिए लॉग इन टू फेसबुक, इस पर क्लिक करना है। फिर आपका यहाँ पे फेसबुक अकाउंट ओपन होगा। जब भी आप क्रोम से फेसबुक खोलना चाहते हैं, फेसबुक सर्च करने के बाद लॉग इन टू फेसबुक, उसके बाद आपका फेसबुक ओपन होगा। तो यहाँ पे एक अपडेट दिया है क्रोम ने कि आप एक क्लिक से ही फेसबुक आपका ओपन कर सकते हैं क्रोम से। देखिए उसके लिए आपको फिर से फेसबुक ओपन कर लेना है, मतलब क्रोम ओपन कर लेना है। फेसबुक लिख के सर्च करना है। यहाँ पे फेसबुक ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए और एक बार दिखा देता हूँ, फेसबुक लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे लॉग इन टू फेसबुक, लॉग इन पे क्लिक करना है, फिर आपका फेसबुक ओपन होगा। देखिए यहाँ पे क्रोम एक ऑप्शन दिया है, थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दिया। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू होम स्क्रीन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऐड टू होम स्क्रीन के क्लिक करना है। फेसबुक यहाँ पे आएगा, उसके बाद आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं ओपी लिख देता हूँ, ओपी लिख के ऐड कर देता हूँ, ओपी लिख के ऐड कर देता हूँ। ऐड ऑप्शन में क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे फेसबुक ओपी लिखा है,
तो इसको आपको क्लिक करना है। देखिए अभी क्रोम पे जाके फेसबुक सर्च करके आपको फेसबुक ओपन नहीं करना है, यहाँ से एक क्लिक में भी आप फेसबुक ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना ऐसा, और वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।